महिला परिषद सभागार अरैयामी कश्मीर की मसली पर आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे चुके श्री कन्नन गोपीनाथन के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नागरिक मंच अररिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जन संगठन जैसे जन जागरण शक्ति संगठन, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय BYO इप्टा, जिला चीफ संघ जाप ITNOA, BIF, SIO, IIB सहित अनेक संगठन और ट्रेड यूनियन के अलावे सभी अररिया वासियों का योगदान रहा। खचाखच भरे हॉल में लोगों से संवाद करते हुए कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि मैंने IAAF से इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि कश्मीर में हो रहे नागरिक अधिकारों के हनन पर पूरे देश चुप्पी से छाई हुई है। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मुझे जरूरी लगा। कन्नन जी ने कहा कि नोटबंदी यह कहकर लाया कि काला धन पकड़ा जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसी तरह NRC यह कहकर लाया जा रहा है कि घुसपैठियों को भगाना है, पर दरअसल यह गरीब लोगों के खिलाफ है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 19 लाख लोगों का नाम NRC में नहीं आया, जिसमें करीब 13 लाख हिंदू हैं। हाल में स्वतः स्फूर्त ऊर्जा के नतीजतन हाल से लोग सड़क पर उतर आए और एक प्रभावशाली रैली निकाली। हमें NRC नहीं नौकरी चाहिए, NRC CAB धोखा है, धक्का मारो मौका है। कन्नन गोपीनाथन के नेतृत्व में यह रैली जिला परिषद अररिया से निकलकर चांदनी चौक आजाद नगर होती हुई वापस जिला परिषद कार्यालय लौट गई। शाम 3 बजे से कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और अररिया से आए गणमान्य लोगों द्वारा NRC कैब विरोधी संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया। मंच से ऐलान हुआ कि 17 दिसंबर को पूर्णिया में NRC को लेकर एक बड़ी प्रतिरोध सभा आयोजित किया जाएगा। इस मंच में कटिहार की विधायक शकील अहमद खां, अररिया से कामायनी स्वामी, जाहिद अनवर और कल्याणी, किशनगंज से अख्तरुल इमाम, सुपौल से महेंद्र यादव समन्वयक चुने गए। कार्यक्रम में डॉक्टर इस आर्झा मास्टर मोहसिन, लोवेली नवाब, देबू सेन, वार्ड पार्षद रंजीत पासवान, सत्येन सरन, शैलेंद्र सरन सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों की उपस्थिति रही। मंच संचालन दीपक दास, जाहिद अनवर और कामायनी स्वामी द्वारा किया गया। विषय प्रवेश अफ़हान कामिल और आशीष रंजन द्वारा किया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, IAS में रहते हुए भी बहुत सारे काम किया जा सकते और कर भी रहे, कई सारे लोग कर भी रहे, पर जिस तरीके से मैं जैसे बता रहा था, जिस तरीके से एक देश चुप भी साधित हो कि किसी भी बात पे सरकार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, सरकार की आलोचना नहीं करना है, और सरकार के खिलाफ बोलना मतलब देश के खिलाफ बोलना, इस तरीके का एक चीज़ आ गया और लोगों को जो लग भी रहा है कि गलत कुछ गलत चीज़ हो रहा है और उसके बाद भी चुप बैठना देश में, ऐसे में कश्मीर के मसले पर जब 4 महीने से अभी लोगों की वहाँ पे जो है कई सारे लोग अभी भी जेल में हैं, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल है, सब लोग रिटेन्ड है, उसके बाद जो है वहाँ पे किसी तरीके से कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन ढंग से रिस्टोर नहीं किया गया है। ये सब करने के बाद भी हम सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, हम चुप रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम अगर सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो जो है देश के खिलाफ। ये चीज़ को लेकर हम जितना चुप होंगे और कश्मीर के उसके अगस्त 5 के बाद 15 दिन इतना ज़्यादा साइलेंस था और जिस तरीके से मीडिया भी बता रहे थे सबको कि वहाँ पे लोग मिठाई बांट रहा है, वहाँ पे सब खुश है, सबके सब सब जगह खुश है, मुझे लगा कि वो सही नहीं है और ऐसे में जो है किसी ने किसी को बोलना ज़रूरी था और इस्तीफ़ा दे के बोलना ठीक था, क्योंकि अंदर रहते हुए बोलता तो वो कंडक्ट रूल का वायलेशन होता या फिर वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर आगे पीछे कर दिए होते, इसलिए बेहतर समझा कि इस्तीफ़ा दे के मैं अपनी आवाज़ रखूँ और अपने ये बोलूँ कि हमारी देश में हमारी एक देश की जनता के साथ कहीं पे अगर गलत हो रहा है तो बाकी जो जनता है उनकी जिम्मेदारी बनता है कि उनके लिए आवाज़ बनना, उनके लिए बोलना और कितना ज़्यादा हो सकता है उनके लिए खड़ा रहना, तभी हम एक देश मान सकते हैं। आगे आपको क्या प्लान? आगे मेरा कोई प्लान नहीं था, जब रिजिग्नेशन किया था तब भी कोई प्लान नहीं था, तभी ये था कि अगर आधे एक घंटा भी अगर 2 दिन भी चले तो कश्मीर के बारे में अगर अटेंशन वहाँ पर जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद कई सारे लोग इसके बारे में बात करना चाह रहे थे तो बुलाते रहा, ऐसे एक जगह गया तो उसमें एक लड़की उठ के बोली कि कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हो आप, कौन सी सरकार की आलोचना की बात कर रहे हो, मैं 23 साल तक इंडियन थी
अचानक बोल रहे कि मैं इंडियन नहीं हूँ, ऐसे में मेरी क्या है, तभी मुझे NRC के बारे में समझ में आया। ऐसे दो तीन जगह और पूछा तो पता चला कि एक पूरी आधा मतलब एक कम्युनिटी जो है अलग से अपना डॉक्यूमेंट बनाने में, आधार बनाने में, ये सब में लगे हुए हैं, जबकि मेरे खुद अगर पूछेंगे कि तुम 20-30 साल पुराने डॉक्यूमेंट लेके आओ तो मेरे पास सही नहीं, शायद नहीं होगा। तो ऐसे में मैं इसका खतरा समझा और उसी दौरान जो है NRC और CAB के बारे में भी पढ़ना हो गया, तो मुझे लगा कि ये तो और भी खतरनाक चीज़ है और उसके बारे में भी हम देश में सब चुप है। ये ऐसे हो गया कि कुछ भी बोल दो, एक सवाल पूछो जिस तरीके से कि काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं, सब बोलेंगे हाँ, घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं, हाँ, देश को एक होना चाहिए कि नहीं, हाँ, संविधान होना चाहिए, इस तरीके से पूछते हैं, हाँ, सब हाँ बोलते हैं और फिर कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, नोटबंदी कर बैठते हैं, GST कर बैठते हैं, 370 हटा लेते हैं, NRC लेके आते हैं। आसाम में NRC हुआ, 6 साल लगे, 50,000 के एम्प्लॉई लगे हुए थे, 1600 करोड़ जनता के खर्च हुए, लोगों के सरकार के खर्च हुए जो जनता की टैक्स मनी है। उसके बाद आज हमारे गृहमंत्री खुद जाके बोल रहा है उसको हम रिजेक्ट करेंगे और दोबारा करेंगे, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहे भाई 1600 करोड़ कहाँ से लेके आए थे और जनता कितने परेशान हुए, सुसाइड हुए, नोटबंदी के दौरान भी हुए, कोई किसी को जवाब देने का मतलब ही नहीं समझते। ये सब नॉर्मल जनता वैसे ही परेशान है, कई सारे बेरोजगारी से परेशान है, घर नहीं है अपना, बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई से, बहुत सारी चीज़ें से। उसके जगह पे हम बोल रहे हैं कि नागरिकता प्रूव करें। अगर किसी को प्रूव करना है कि सरकार की कोई नागरिक है या नहीं, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि जाके प्रूव करना है कि हाँ वो इलीगल इमिग्रेंट है। उसके जगह पे ये बोल रहे हैं कि सारी जनता प्रूव करे कि वो नागरिक है। NRC यही हुआ नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप में आसाम में, अभी वो NPR के तौर पे करेगा तब भी ऐसे ही करेगा कि सारे घर पे आएंगे, पूछेंगे कि डॉक्यूमेंट दिखाओ और उसमें कॉलम में लिख के जाएगा कि हाँ, जो भी कर्मचारी आएगा कि हाँ मुझे लगता है कि इंडियन है या नहीं, वो लिख के जाएंगे और उसे मान ले कि हम इंडियन है कि नहीं। ऐसे कैसे सरकार ऐसे ये सब काम कैसे कर सकते हैं जब अर्थव्यवस्था वैसे ही गिर रहे हैं, लोग परेशान है वैसे ही, तो जनता को ऐसे कैसे परेशान कर सकते हैं। तो ये इस बात पे भी हम चुप है समझे, तब मुझे लगा कि नहीं, इस बारे में भी अवेयर करने की ज़रूरत है, इस बात में भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बस ये चल रहा है, अभी जहाँ से लोग बुला रहे हैं वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसी संदर्भ में पिछले 4 दिन से इधर हिमाचल में था। क्या ये नहीं लगता है जो हमारी सरकार है वो मेन मुद्दे से भटकाने के लिए NRC या फिर कश्मीर या 370 की धारा पे आवाज़ उठाती है? मुझे नहीं पता भटकाने के लिए है या वो जेन्युइनली बेवकूफ़ है इसलिए करते हैं। मुझे कई बार ये लगता है कि वो जेन्युइनली बेवकूफ़ है, मतलब उनको समझ नहीं है कि गवर्नेंस की मतलब क्या है। वो उनको लगता है कि हमें कुछ निर्णय लेना है, हर 6 महीने में हमें कुछ निर्णय लेना है ताकि जनता को बताए कि हम निर्णय लेने वाले सरकार हैं, और कुछ ना कुछ निर्णय ले बैठते हैं और उसका एक्चुअल मकसद मतलब क्या है। हमें पता है कि GST के दौरान यह बता दिया गया था कि देश दूसरी बार आज़ाद हुए थे, रात को 12 बजे पार्लियामेंट खोल के हिंदी बजा के बोले थे कि देश दूसरी बार आज़ाद हुए थे। उसके आज की आज़ादी की हालत देखो, आर्थिक आज़ादी का क्या हालत है, आज 4.5% पे ग्रोथ है और उसके बल पे आगे समझ में नहीं आ रहा। ये जो निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने वाले जो सरकार है वो खतरनाक है, मुझे लगता है कि जेन्युइनली बेवकूफ़ है, जेन्युइनली जो है नालायकी है, इसीलिए शायद ऐसा है। भड़काने के लिए इतना बुद्धि मुझे नहीं लगता कि है। वहाँ से बाहर आए और हम लोग के बीच में आए। हेलो हेलो, हम लोगों ने कन्नन जी के 6 कार्यक्रम लगभग पूरे बिहार में 6 जिलों में ऑर्गेनाइज किए और कुछ में कुछ आयोजक साथ में गए, और हमारा अनुभव ये रहा कि लोग आते हैं कन्नन जी को सुनने के लिए पर हम लोग बहुत सारी जगह उनके बातचीत में ले लेते हैं, तो आज हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप सबके साथ क्षमा याचना कि हम किसी और को मौका नहीं दे पाएंगे बोलने का, सिर्फ कन्नन जी के लिए स्पेस रखेंगे, पर बहुत सारे सवाल जवाब के लिए जगह है, तो अपने सवाल आप ज़रूर तैयार रखिएगा और हम लोग सवालों के लिए इसके बाद खोलेंगे। अपनी बातचीत में भी कन्नन जी बहुत सारे सवाल इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आशीष आएं और वो परिचय कराएं कन्नन जी का, उसके बाद अफ़ान भाई से उम्मीद है कि वो 3 से 5 मिनट में विषय प्रवेश करेंगे कि क्यों हम लोग इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं, और फिर हम लोग कन्नन जी की बात करेंगे। और जैसा कि होता है हमारे देश में कि उन्होंने अपनी करियर के लिए पहले इंजीनियरिंग का रास्ता चुना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा जो रांची में है वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और उसके बाद वहां से उन्हें नौकरी लगी और वो यूपी में मोटोरोला की एक सब्सिडियरी कंपनी या मोटोरोला ही कहें उसमें वो काम कर रहे थे, और साथ साथ वो वहाँ स्थानीय तौर पे बच्चों को पढ़ाने का, उनके पठन पाठन का काम भी कर रहे थे। आपको पता चल चुका होगा कि उनमें मानवीय गुण बहुत पहले ही से मौजूद थे, और इस पठन पाठन के कार्य में वो समाज से करीब आए।
इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो शायद सिविल सर्विसेज में जाके इसको और अच्छी तरह से कर पाऊंगा ये समाज सेवा का कार्य। इस भावना से उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखा, उसमें उत्तीर्ण हुए और 2011 के एग्जाम में उत्तीर्ण हुए, 2012 के ये आईएएस अफसर हुए। अपने साथी के लिए आईएएस अफसर का हम लोग मतलब समझते हैं कि कलेक्टर, तो सबसे पहली पोस्टिंग या दूसरी पोस्टिंग जो होती है एक आईएएस अफसर के लिए वो कलेक्टर की पोस्टिंग होती है, तो वो डीएम बने और कई पदभार उनको मिले अलग अलग जगह। उन्होंने दिल्ली में भी अनुभव लिया सरकारी सेवा का, उसके बाद दादरा और नगर हवेली जो गुजरात और मुंबई के बीच में है, एक केंद्र शासित राज्य है, वहाँ वो थे। वहाँ उनके कई तरह के चार्ज थे, वहाँ कई तरह के कारखाने हैं और इसलिए उनको जीएसटी का भी अनुभव है, उसके बारे में भी वो बातचीत करेंगे। और इस दौरान उनकी चेतना मरी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने प्रयास से, जब वो मिजोरम में थे तो आइजवाल में उन्होंने एक स्पोर्ट्स अकेडमी की भी शुरुआत की। बैडमिंटन प्लेयर हैं हमारे देश के, क्या नाम है उनका, पुलेला गोपी चंद आप सब जानते होंगे, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप उन्होंने जीता। तो उनके साथ मिलके उन्होंने वहाँ के बच्चों के लिए एक बैडमिंटन की एकेडमी शुरू की और तमाम तरह के काम किए। इस बीच जब 5 अगस्त को कश्मीर में धारा 370 हटाया नहीं बल्कि निरस्त कर दिया गया एक प्रकार से, कुछ धाराओं के शब्दावलियों को बदल के, उसके बाद से ये कहते हैं कि ये जो चुप्पी चारों तरफ थी कश्मीर के मसले को लेकर, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मीडिया में ये खबर आ रही थी कि भाई कश्मीर में सब अच्छा है और उधर लद्दाख में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ तक कि कश्मीर में भी ये फुटेज दिखाया जा रहा था कि सब चंगा है, सब बढ़िया है, ये सब कुछ अच्छा हुआ। कोई एक विरोध का स्वर नहीं था, ना ही कश्मीर के लोगों की आवाज आ रही थी। तो इस चुप्पी से परेशान होके उनका कहना है कि अगर नागरिक समाज, अगर राजनीतिक दल और देश में जो तमाम तरह के लोग हैं जो आवाज उठाते हैं आवाम की, अगर वो अपनी आवाज मुकम्मल तरीके से उठाए होते तो उनको आईएएस से रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने काम में मशगूल थे, संतुष्ट थे और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें ये बहुत परेशान कर रहा था ये सवाल कि कश्मीर में जो हो रहा है और उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इनके जो आईएएस ऑफिसर्स के बीच में जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो कम्युनिकेशन है, संवाद का जरिया है, वहाँ भी कोई बात करने का तैयार नहीं था। शाह फैजल जो इनके बैचमेट थे, बैचमेट नहीं इनके सीनियर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उस पर भी चुप्पी नहीं तोड़ी गई। इन तमाम सवालों को लेकर उन्होंने एक दिन तय किया कि मुझे आईएएस की नौकरी छोड़नी है और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो मैं और ज्यादा, एक सवाल अक्सर आता है उन्होंने आईएएस क्यों छोड़ा, तो मैं उस पर उन्हीं छोड़ूंगा उन पर कि वो बात करेंगे कि और क्या चीजें हुई, उनके मन में क्या बात आई कि उन्होंने आईएएस की नौकरी को त्यागपत्र दिया। आगे बात बढ़ाने के लिए और विषय प्रवेश के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त अफ़ान साहब आए और आज का जो विषय है, हम कश्मीर पे बात करेंगे, हम CAB जो नागरिक संशोधन विधेयक है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जिसको कह रहे हैं, उस पर बात करेंगे, नागरिकता पर बात करेंगे कि नागरिकता क्या है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए। और NRC हम बुलाना चाहेंगे अपने दोस्त अफ़ान साहब को कि वो विषय प्रवेश कराए। अफ़ान साहब, गोपीनाथ कन्नन भाई का कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, जो हर एक स्टूडेंट का सपना होता है, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद वो किसी ऐसे देश के सबसे बड़े कंपटीशन को फेस करता है और उस जगह पर जाकर अगर हम अपने सपनों को या देश की खातिर अपना वो अचीवमेंट उसको छोड़ बैठते हैं, तो यकीनन वो इशू, जिस इशू पर हमने ये कुर्बानी दी है, वो हमारे उस अचीवमेंट से बड़ा होता है, वो कॉज उससे बड़ा होता है। आज हम सब यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं उसकी असल और ख़ास वजह जो है वो NRC और CAB है।
अब ये वक्त आ गया है कि हम बिल्कुल खुलकर अपनी बात सामने रखें। मामला जब अस्तित्व का हो जाता है, आपके होने और ना होने का हो जाता है, तो ऐसे वक्त में हमें ये बताना पड़ता है कि जिंदा रहना और देश में रहना जिसे हमने सवारा है वो हमारा पैदाइशी हक है। इसके लिए आवाजें भी बुलंद करनी पड़ती है। संविधान जो हमारा इस देश का बना था, उसको जिन लोगों ने बनाया था, वो जिन विचारों से बनाया गया था, उसे उस विचार के साथ, उस प्रारूप के साथ बचाना हम सब के लिए सबसे बड़ी राष्ट्रीयता का ये सबूत है कि आप संविधान के हक में खड़े हो। अगर अब हमारे मूल संविधान को ही बदलने की कोशिश की जाएगी, जहां के हमारा अस्तित्व ही निकाल कर बाहर कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है ये हर देशभक्त का, ये हर राष्ट्र के नागरिक का ये अधिकार भी है और ये फर्ज बनता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को जिसे बनाने में 3 साल का वक्त हमारे पूर्वजों ने दिया, सींचा और संवारा और यहाँ तक पहुँचाया है, उसे बचाने की कोशिश की जाए। और हर वो शख्स आज के इस वक्त में, इस माहौल में, वो देशभक्त कहलाएगा, नेशनलिस्ट कहलाएगा, राष्ट्रीयता का आलमबरदार कहलाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ करने की बात करेगा। जो शख्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ दिखेगा वो एक्चुअल देशद्रोह कहलाएगा। ये बात बिल्कुल, ये रेखाएं बिल्कुल खींच दी जानी चाहिए कि कल होकर के आप कुछ भी कर देंगे। एक वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमने इतना सवारा, अंग्रेजों से लड़ करके हासिल किया, और आप महज अपनी एक खास मानसिकता, नैरो माइंडेडनेस की वजह से, एक संकीर्ण सोच की वजह से उसे धार्मिकरण कर देंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसी संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। ये अधिकार किसी पाकिस्तान या बांग्लादेश वालों ने नहीं दिया है, हमारे इस हिंदुस्तान के संविधान ने यह अधिकार दिया है, और उस अधिकार के तहत हमें अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश पूरी करनी चाहिए जब तक हमारी आखिरी सांस भी चलती रहे। कभी भी हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करें, कोई हमसे ये कहे कि तुम प्रूफ करो कि तुम चोर हो, कोई हमसे ये कहे कि तुम प्रूफ करो कि तुम बांग्लादेश के हो, और यही मिल भी जाते। और दूसरी बात जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो ये चाह भी रहे हैं और क्रिएट किसी न किसी तरह से वो हो रहा है कि ये NRC या कैब ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बिल्कुल इस धोखे में ना रहे। ये गरीब और अमीर की लड़ाई है, ये पिछड़ों पसमानदों दबे कुचलों की लड़ाई है। हर वो शख्स जो गरीब होगा वो प्रताड़ित होगा, आप याद रखिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ब्राह्मण हो, हर वो शख्स प्रताड़ित होने वाला है। ये जिस तरह की परंपरा की शुरुआत की जा रही है, अगर अब भी ना उठेंगे हम, अगर अब भी आवाज नहीं उठाएंगे, तो यकीनन आप अपने आने वाली नस्ल को एक इतनी बड़ी मुसीबत सौंप कर जा रहे हैं कि जिसका खमियाजा पूरी कौम, पूरा देश सदियों भुगतेगा। दोबारा देश उस पोजीशन में पहुंच जाएगा जिस पोजीशन में आपको अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ी थी उनको बाहर निकालने के लिए। बाहर के लोग आपसे ये कहेंगे कि आप खुद घुसपैठ हो। तो सबसे पहली बात तो हमें ये ठान लेनी है कि कैब और NRC ये जिसकी बात कर रही है, ये बिल्कुल कबूल नहीं है, बिल्कुल भी कबूल नहीं है। हमने इससे पहले जो चीजें हुई हैं उनके नतीजे देखे हैं, हमने नोटबंदी के नतीजे देखे कि उसका हासिल क्या हुआ। अभी आसाम के अंदर आपने 1600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए NRC के लिए। 1600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक एक आदमी का जो पैसा खर्च हुआ है वो आप 50,000 रुपए तक का जा रहा है वो आंकड़ा। आप सोचिए देश का कितना बड़ा पैसा है जो आपने कहां खर्च करवा दिया, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम दोबारा करवाएंगे। करवाया आपने, अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है आपको। जब रिजल्ट आपके मतलब के एतबार से नहीं निकला तो नाउ इट इज अनएक्सेप्टेबल। फिर दोबारा आप किनका पैसा खर्च करेंगे? ये आपकी पार्टी का पैसा है, ये हमारे पॉकेट से निकले हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं हमारे पैसे को इस्तेमाल करके कि आप राष्ट्रीयता सिद्ध करो।
तो ये बिल्कुल जुल्म है। और आज के इस वक्त में सबसे बड़ा कैरेक्टर का सबूत या अखलाक का सबूत ये है कि आप हर एक मजलूम के साथ खड़े हो, चाहे किसी धर्म और किसी जात के आप हो। तो हमें आज इस बात को तहैया करना है, और इसी खातिर कन्नन भाई पूरी कोशिश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को बताना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि अब अगर हम नहीं जागेंगे तो अब कब जागेंगे? बांग्लादेश और पाकिस्तान पहुंच के जागेंगे आप? जब प्रताड़ित कर दिया जाएगा तब जागेंगे आप? ये कोई मंदिर और मस्जिद की लड़ाई तो नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमसे कहा जाएगा कि आप हो ही नहीं, आप हो इसका प्रूफ करो। तो हमें ये लड़ाई सोच समझ के, संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं उनको समझते हुए, जो राइट्स हैं प्रोटेस्ट के, पीसफुल राइट्स, या आप कह सकते हैं कि एक नया सत्याग्रह है जो आपको शुरू करना पड़ेगा। एक पहला सत्याग्रह जो गांधी जी ने और गनी जी ने शुरू किया था अफ्रीका के अंदर, एक नया सत्याग्रह आपको हिंदुस्तान के अंदर भी शुरू करना पड़ेगा। और ये तब तक करना पड़ेगा जब तक ये अपने इन पॉलिसीज को रोल बैक नहीं करें, वापस नहीं लें। पर उससे पहले आपसे एक सवाल है, अगर एनआरसी और कैब के विरोध में है ना, ये जो नागरिकता कानून आ रहा है और ये जो एनआरसी घर घर जाके ये लोग कर रहे हैं या हमसे कागज मांग रहे हैं, अगर इसके विरोध में हम लोग पटना जाते हैं तो आप में से कितने लोग इसके लिए सहमत हैं कि हाँ पटना जाना चाहिए और शोर होना चाहिए? ठीक है, अब एक बार और सोच के ये बताइए कि आप में से कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं, सो हाथ उठाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।